हेलो, आवाज आ रही है? आ रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस विद एमके। हे बडीज, व्हाट्स अप? कैसे हो ड्यूड? व्हाट्स अप पीपल, क्या हाल चाल चल रहा है? एक्सरसाइज रूटीन चल रही है? चलाते रहो, अच्छी बात है। वेलकम है आपका फिटनेस विद एमके ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। मैं एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बाइसेप्स की एक्सरसाइज लेकर। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो आज की सबसे पहली आपके एक्सरसाइज वार्म अप के तौर पे आप लगाओगे। वार्म अप के तौर पे दो दफा तीन दफा मैं बोल चुका हूँ, वार्म अप के तौर पे आपने लगानी है। चौथी दफा इसको वार्म अप के तौर पे लगानी है। आपने करना क्या, सारा पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है। वार्म अप के तौर पे लगाओगे, जितने सेट के इसमें कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपने वार्म अप के तौर पे लगानी है। वार्म अप के तौर पे लगा के उड़ जाना है, मतलब हट जाना है अपनी इस मशीन से। वार्म के तौर पे लगाओगे, दो सेट लगाओगे, तीन सेट लगाओगे, आपकी मर्जी। तीन सेट में रिप्स कितने लगाओगे, 12 लगाओगे, 14 लगाओगे, 15 लगाओगे, 16 लगाओगे, आपकी मर्जी। इसमें आपके कोई में पाबंदी नहीं पेश करता, सिर्फ आपने वार्म अप करनी है। इसके बाद आप किया जाती पहली एक्सरसाइज। वार्म अप करके आए हो तो आपने सीधे आ जाना है अपने डंबल्स पे। डंबल्स पे मैंने आपको सारा पैटर्न बताया हुआ है, डंबल्स का किस तरह करना है, पुराने वीडियोस पड़े डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। आपने करना क्या है, अभी आपने करना ये है कि आपने सिर्फ रेप्स चेंज करने हैं। रेप्स में आपने चार सेट लगाने हैं, चारों सेट में आपने 13-13 रेप्स लगाने हैं। 13-13 रेप्स लगाओगे, उसके बाद आपने अपनी दूसरी एक्सरसाइज में सेट चेंज करोगे। इसमें आपने सब में 13-13 रेप्स लगाने हैं क्योंकि सर्दियों ने एंटर मार चुकी है, सर्दियाँ एंट्री कर चुकी हैं, अपनी मतलब अपनी एक हाल दिखा चुकी कि बीमार होना शुरू हो जाओ, मैं आ रही हूँ। तो आपने करना क्या है, सिर्फ अपने सेट लगा लेने हैं, चार दाने जो मैंने आपको रेप्स बताए हैं सेम उसी पैटर्न के साथ, उसी वीडियोस के साथ, वही पैटर्न कॉपी कर लेना, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। इसके बाद आपकी आती दूसरी एक्सरसाइज। इसके बाद आती है आपकी दूसरी एक्सरसाइज। बोलोगे भाई ये तो क्या बता रहा है, ये तो चेस्ट खींचने के लिए जैसे लग रहे हैं। मुझे पता है चेस्ट खींचते हैं, पर इससे आपकी जो बाइसेप्स का पीछे जो जा रही है ना उससे आप पीछे जो जाओगे उससे आपका बाइसेप्स खींचेगा। अगला सेट आ रहा है बड़ा पंप वाला, इसके बाद आप इससे पहले अपना बाइसेप्स खिंचवाओगे ना, जो आपकी मसल की सारी कसरत होगी ना वो उधर ही आपकी चूर चूर हो जाएगी। जो आपकी जो मसल की थकान होगी वो वही चूर चूर हो जाओगे। इस सेट लगा लेना, इसके तीन सेट लगा लेना, पहला सेट 12, दूसरा सेट 11, तीसरा सेट 8 लगा लोगे। ये भी आपके बाइसेप्स के एक है एक्सरसाइज के तौर पर, जिससे आपका बाइसेप उभरेगा। ये मसल वो नहीं है सिर्फ खिंचने के लिए आया हुआ, नहीं, खिंचने के लिए नहीं है। इससे आपका बाइसेप्स भी आपका पंप होगा, बनेगा। इसके बाद आपने आ जाओगे अपनी, तो इसका मैं पैटर्न बताता चलूँ। आपने पेट के अलग करना क्या है, टेबल वाला चेस्ट ले लेना है, जिसपे आप रॉड लगाते थे चेस्ट वाले रॉड पे, अपर ऊपर वाला जो आपने चेस्ट लगाया हुआ है ना, नाम तो आपको नहीं याद होंगे, ऊपर वाला जो आपने रॉड लगाया ना चेस्ट का, जो मैंने बताया हुआ था, सेम वही जरा टेबल रखना है। उसके बाद आपने अपनी छाती जैसे वीडियो में देख लो उसके ऊपर डाल देनी है, खड़े हो जाना है, बैठना नहीं है उस पर। और उसके बाद अपने हैंड अपने लॉक रखने चाहिए, जिस पोजीशन में आगे जा रहे हैं उस पोजीशन में पीछे आए, जिस पोजीशन में आगे जा रहे हैं उस पोजीशन में पीछे आए, डबल टच नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सा बैठन, वेट अपने हिसाब के मुताबिक लगा लेना। इसके बाद आपकी आती है अगली एक्सरसाइज। तो ये जी अगली एक्सरसाइज अपनी एंट्री मार चुकी है। एंट्री मारने का इसका कोई मकसद था, इसके पीछे एक मकसद है वो आपको पता चल जाएगा। तो आपने करना क्या है, जैसा आप बेंच पिछली एक्सरसाइज में बना चुके हो ना, उसी बेंच पे बैठ जाना है। बेंच पे बैठने के बाद आपने चेस्ट की तरह उस पर लेट जाना है। लेटने के बाद आपने करना क्या है, आपने अपनी गोलियाँ लॉक रखनी है वहीं में। अब आपकी आएगी हार्ड वर्क, जहाँ आपके बाइसेप्स की, और ये हार्ड वर्क छोटा मसल है ना, हल्का सा ज़्यादा फोकस करें ना, ज़्यादा इतनी जल्दी नहीं फोकस करना चाहिए ना, छोटा सा मसल है। तो अपने हार्ड वर्क आ रही है इस पे। अब आपने करना क्या है, एक डंबल जैसे उठाओगे उसको नीचे करते सार दूसरा आप एक हाथ का नीचे करके दूसरा एकदम से आप। इस तरह आपने लगानी है आपका, आपने इस पे आपने लगाना है 12-12, एक हाथ के 12, टोटल बन के कितने 24 रेप्स आपने लगाने हैं, 24 रेप्स, एक हाथ के 12, दूसरे हाथ के भी 12। उसके बाद आप लगाओगे दूसरा सेट आपने लगाना है, एक हाथ के 10, दूसरे हाथ के 10, 20 हो गए, 20 रेप्स आपने लगाने हैं। उसके बाद आप लगाओगे
12 रिप्स, एक हाथ के 6, एक हाथ के 6, एक हाथ के 6, एक हाथ के 6, इसके आप हो गए 12 रिप्स, 12 रिप्स आप लेकर आने ने 30 सेट, 30 सेट आपके अप हुए, इसके आप करके देखो, ना पेन हुआ ना फिर बोलना, और ना कल को, ना कल रिजल्ट मिला ना फिर कहना कि कौन सी एक्सरसाइज कराई। अगर पैटर्न के सेम मुताबिक करोगे, जिस तरह बाइसेप लॉक है, जिस तरह अगर आपके समझो ना, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते ना, अगर आपका पैटर्न गलत भी ना, दिमाग दिमाग में सोच रहे हो अगर मेरा पैटर्न गलत है, अगर जो सी आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसमें मसल पे फोकस जा रहा है ना आपका, के बॉडी के अंदर से फील हो रहा है आपको, ये मसल भाई मेरा हिल रहा है, कुछ हो रहा है उसके अंदर से, फाइबर आपके फट टूट रहे हैं, वो वहीं वहीं से आपको लगेगा भाई मेरा पैटर्न बिल्कुल सही है, मेरा पैटर्न बिल्कुल सही है। डबल की आप शेप देख रहे हो कैसे पकड़ी हुई है, उसके बाद आपने आ जाने अपनी अगली एक्सरसाइज पे। आपकी अगली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हुई है डबल स्टेबिलिटी बार डबल डबल के साथ। डबल डबल के साथ आपने करना क्या है, करना ये है आपने सिर्फ आपने ग्रिप्स चेंज करना है, इसमें आपने दो सेट आप कैसे लगाओगे, दो सेट आपने करना क्या है, पहला सेट आपने 10 का लगाना है, दूसरा सेट आपने 9 का लगाना है, दो सेट आप लगाओगे इसके बाद हो जाएगी भाई आपकी अप। इसके बाद अपना जाके चेक करो जरा अपना डोला, जाके चेक करना यार, अगर आप मेरी कोई वीक दिखते आ रहे हो ना, जो आपने एक्सरसाइज कर ली है ना, इसके बाद अपना डोला जाके चेक करना सर, चेक करना खाली। जब कम एक्सरसाइज बता रहा हूँ, छोटा सा मसल है, बार बार कह रहा हूँ, अगली वीक्स आ रही है उसमें फिर आपको प्रेशर नहीं होगा, तो यहीं पे अप करते हैं। छोटा सा मसल है आपने, क्योंकि जो वार्म अप के तौर पे लगाई है ना, वो भी वार्म अप के तौर पे आपके मसल पे जाके इफेक्ट हुई है, तो मजाक नहीं हुआ कि आपने लगा के बस छोड़ दी, वो वाला नहीं हुआ। सी आपने वार्म अप के तौर पे लगाई है, तो आपने बस सिंपल सा करना ये है, आपने जो सेट्स बताए हैं वो लगा लेने हैं। बेटर नहीं पता, पुरानी वीडियोस पड़ी डिस्क्रिप्शन में, लिंक्स है जाके आप चेक कर सकते हो पुरानी वीडियोस में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलेगा, और अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह के बाद अल्लाह हाफिज़।